मसूरी में भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा इप्टा के 73वें वर्ष पूर्ण करने पर मसूरी के एक होटल में जन सांस्कृतिक दिवस एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन शख्सियतों को सम्मानित किया गया जो और लोगों को जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस विधायक राजकुमार और अति विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल एवं पूर्व विधायक मसूरी ज्योत सिंह गुनसोला रहे। इप्टा द्वारा बच्चों के माध्यम से गीत संगीत एवं नाटकीय प्रस्तुति दी गई। वहीं कांग्रेस विधायक राजकुमार ने इप्टा के 73वें वर्ष पूर्ण करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि भाजपा बदले की भावना से काम कर रही है एवं मुख्यमंत्री हरीश रावत को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। एक प्रताड़ित करने की नियत से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली तलब किया गया और सीबीआई जांच के माध्यम से बुलाया गया, वो एक ठीक कार्य नहीं है। तो जबकि चाहते तो वो उत्तराखंड में भी उनका बयान ले सकते थे, लेकिन पहली बार कोई मुख्यमंत्री दिल्ली सीबीआई तलब किया गया है, वो भी अपने आप में एक दुखदायी बात है। सिर्फ बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी ले रही है। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट।